हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करते हैं कि आप लोग हर कोई अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पे सही सलामत होंगे। लास्ट कुछ वीडियो से मैं ये जो ब्रांड है मेडिसिन ब्रांड, ये मैं अमेजन से ख़रीदी हूँ। एक्चुअली मुझे किसी ने भेजा नहीं है, और उसके बाद मैं इसके कुछ पाउडर है, आंवला पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, रीठा पाउडर, शिकाकाई पाउडर, ये सारा मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है फॉर माई स्किन एज वेल एज हेयर। तो आज एक फेस पैक का वीडियो है जो मैं आंवला के साथ बनाऊँगी। अगर आप लोग ये पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप आंवला का जूस या फिर पल्प से भी ये वाला पैक बना सकते हो। वो मैं दूसरा एक वीडियो पे आपको दिखा दूँगी कि कैसे आप वो वाला पैक बना सकते हो। तो आंवला में एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप सुबह उठकर भी खाली पेट पे एक आंवला खाते हैं, आपके बालों में और आपकी स्किन पे जो चेंजेस है वो आपको विजिबल होगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे, और ये हमारी स्किन से पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को हटाने में मदद करता है और स्किन में एक नेचुरल ग्लो लाता है। इसके साथ मैं आज यूज़ कर रही हूँ मिल्क यानी दूध। तो अगर आपको मिलता है तो आप ना ऐसा पैकेट दूध ना लेना। आप डायरेक्ट अगर आपके घर पे कोई फार्म से मिल्क आ रहा है तो आप वही वाला यूज़ करना और रॉ मिल्क यूज़ करना। मिल्क एक बहुत अच्छा क्लेंजर है, स्पेशली जिनका ड्राई स्किन है वो तो मिल्क ही यूज़ करें, लेकिन ऑयली स्किन वाले एक दो बार यूज़ करके देखें, अगर आपको सूट करता है तो आप मिल्क यूज़ करें, या फिर बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर कर्ड। इसमें विटामिन ए, डी, ई तथा के और प्रोटीन पाया जाता है, और इसके साथ इसमें लैक्टिक एसिड भी है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और एक बहुत अच्छा टोनर भी है। जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है ये है एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे मैं मामा अर्थ का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी ये यूज़ करना। एक्चुअली मुझे ये वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसका कुछ दिन मैं आपको रिव्यू दूँगी। इससे बेटर मुझे बाबा रामदेव का जो पतंजलि एलोवेरा जेल आता है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। एलोवेरा जेल अगर आपको कोई भी और कहीं का भी नहीं मिलता है, जस्ट आप नेचुरल एलोवेरा जेल जो हमारे घर पे रहता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस एलोवेरा जेल में टर्मरिक भी है, मतलब हल्दी भी है। तो अगर आप जस्ट एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऊपर से थोड़ा सा हल्दी डालने की ज़रूरत है, अगर आप हल्दी के साथ कंपैटिबल हो तो ही। अगर आपको कोई भी हल्दी से एलर्जी है तो आप हल्दी टोटली स्किप कर सकते हो। एक्चुअली आप कोई भी प्रोडक्ट स्किप कर सकते हो अगर आपको कोई भी एलर्जी है तो। अगर आपको जानना है कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा तो आप मुझे कमेंट कर दे सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और उसके साथ हमारे फेस में जो डार्क स्पॉट है इसे हटाने में मदद करता है, और उसके साथ जिनको भी टैनिंग की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, टैनिंग के लिए हमारी स्किन में दाग धब्बे पड़ गए हैं, उनके लिए भी एलोवेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यस, ये वाला एलोवेरा जेल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, जस्ट आप प्लेन एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते, फिर से बोल रही हूँ। तो ठीक है, चलो अब हम देख लेंगे कि ये जो पैक है इसको हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने एक क्लीन बाउल ले लिया है और इसको आप थोड़ा सा स्टेरिलाइज कर सकते हैं गर्म पानी में, और उसके बाद मैंने करीबन 1.5 चम्मच तक आंवला पाउडर ले लिया था। आप घर पे भी आंवला पाउडर एक्चुअली बना सकते हो, इसको सन ड्राई करके उसके बाद उसका पाउडर कर सकते हो, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है रियल में। मुझे घर पे पल्प इसका मैं निकाल सकती हूँ या फिर इसका जूस निकाल सकती हूँ, लेकिन इसका पाउडर तो मैं घर पे नहीं बना सकती हूँ करेंटली। उसके बाद मैंने दे दिया दूध। अब दूध का क्वांटिटी पे मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और उसके बाद चेक करना है कि आपका जो फेस पैक है अच्छे से बन रहा है या नहीं। अगर आप एलो टर्मरिक जेल नहीं डाल रहे हैं तो आप इसी मोमेंट पे थोड़ा सा हल्दी डाल देना, और हल्दी में आप नॉर्मल हल्दी भी ले सकते हो या फिर आप आंबा हलद भी ले सकते हो। और उसके बाद मैं इस पे दे रही हूँ ये वाला जेल। तो क्योंकि मेरे जेल में ही टर्मरिक है तो मैंने ऊपर से जेल नहीं डाला है, और आप देख सकते हो मैंने जेल एक्चुअली ज़्यादा नहीं डाला है, मैंने एक्चुअली 1.5 चम्मच ही जेल लिया है। अब हमें बहुत अच्छे से इसे मिला देना है और इसका कंसिस्टेंसी ठीक ऐसा ही होने वाला है जैसे मैंने इस वीडियो पे दिखाया है। अगर आपका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो आप इस पे थोड़ा सा मिल्क डाल सकते हो या फिर एलोवेरा जेल डाल सकते हो, और अगर आपका कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़्यादा रनी लगे तो आप थोड़ा सा आंवला पाउडर दे सकते हो। तो अब हम इसको लगाने वाले हैं। इसके पहले आप एक बार एलर्जी टेस्ट कर लें। एलर्जी टेस्ट में अगर आप नेगेटिव आते हो तभी आप ये पैक लगाना। अब ये जो पैक है ये आपके फेस से पिगमेंटेशन और दाग धब्बे हटाने में बहुत हद तक मदद करता है।
जब लॉकडाउन शुरुआत हुआ था तो मैंने मेरे फेस और बालों का बिल्कुल भी केयर नहीं किया था। उस दौरान मेरे फेस पे थोड़े बहुत पिंपल्स आ गए थे और आपको याद होगा मैंने वीट का जो वैक्स स्ट्रिप एक्सपेरिमेंट किया था उससे मेरे फेस एक्चुअली जल गया था एक जगह पे, तो वहाँ पे दाग बैठ गया था और इसी पैक से वो दाग एक्चुअली हटा है। तो डेमो में जाने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ पे जो बेल बटन है उसे भी आप क्लिक कर दें ताकि मेरे चैनल के हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे फेस को मैंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट पानी से वॉश किया और उसके बाद मैं आपके सामने आ गई और आप देख सकते कि मेरे फेस पे दाग धब्बे कितना हद तक कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक है। और इसी पैक से मैं एक्चुअली कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे फेस के सारे दाग धब्बे चले जाए। तो मैंने मेरे हाथ की मदद से मेरे पूरे फेस पे इवेनली लगा दिया है और आप कोशिश करना कि थोड़ा सा मोटा लेयर इसका लगा के थोड़ी देर रखने, थोड़ी देर मतलब मैं आपको बोलूँगी 20 से 30 मिनट्स तक रखना। और हाँ, और एक बात है, ये मैं हाथ की मदद से लगा रही हूँ लेकिन आप चाहो तो आप कोई भी स्पून, स्पैचुला या फिर ब्रश की मदद से भी लगा सकते हो। ये एक बहुत अमेजिंग पैक है, आप लगाओगे जब तब आपको पता चलेगा, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता दूँ, आपको इसको कंसिस्टेंटली कुछ महीने तक आपको लगाना है, देन ही आपको इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको याद होगा वो जो दाग था वो कितना गंदा था और उसके बाद धीरे 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 जब ये पैक मैंने ट्राई किया उसके बाद ये चले गया। तो उसके बाद मैं गले पे भी एक्चुअली लगाई थी एंड देन थोड़ी देर रखने के बाद मैं मेरे फेस को वॉश कर दी। और आप इसको वीकली वंस या फिर ट्वाइस लगा सकते हो। और हाँ, फिर से बोल रहे एलर्जी टेस्ट कर लेना भाई लोग या फिर बहन लोग, क्योंकि आपको एलर्जी हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग खुश रहना, हैप्पी रहना, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड ध्यान रखिए। बाय बाय।